ऐसे ही कंफ्यूज मेरी लाइफ है। अब्बू इस्लामाबाद के एक बड़े बिजनेसमैन, अम्मी एक कूल मदर, भाईजान बेचारे जिम्मेदारियों में मशरूफ और भाभी जान हमेशा गॉसिपिंग एंड पिचिंग में बिजी, छोटे रेहान अपनी आशिकियों में मशरूफ। लड़कियों के साथ मैं हमेशा लकी रहा, नो वंडर हमारे मोहल्ले में आई नई पड़ोसन को मैंने जब प्रपोज किया तो उसने हां बोला। We were in love, but there was something missing. Maybe because whenever मैं उसके भाई सुबेर को देखता मुझे कुछ हो जाता था। Man, he was so hot. उसकी बहन तो उसके सामने पानी कम चाय। I don't know, but अजीब सी awkwardness थी उसके भाई और मेरे बीच। And one day, it happened. This time I was actually in love. But finally, it had to end. उसकी शादी होनी थी क्योंकि वो तो मेरी तरह स्ट्रेट ही था ना। उसकी जोड़ू उस चुड़ैल के ओनर में मैंने डिनर होस्ट किया। ओके, आई विल हैव शामी कबाब, कीमा नान, साग गोश्त एंड फॉर ड्रिंक आइस टी। ऑफ कोर्स बेबी, एनीथिंग फॉर यू, यू आर माय स्वीटहार्ट। ओके अयान, आप क्या लेना पसंद करोगे? फूकी
तेरा खून। Bloody Mary. Nice, very nice. कल कराची से पेरिस जाएंगे, वहां मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा। ओके ओके। You are my sweetheart. You're so sweet. I love you. Love you, baby. Love you too. I love you so much. Zubair, Zubair, कल जोया का फोन आया था। जोया? कौन जोया? आहा, अब जोया को पहचानते भी नहीं। अरे, जोया वो दुबई वाली जिसे तुम 6 महीने पहले कराची में मिले थे। क्या? अमा यार, तब तो बड़ी गजलें लिखा विखा करते थे उसके इश्क में। अच्छा, भाभी जान से छिपा रहे हो? कोई बात नहीं, she's पास भाभी जान। पर भाभी जान है वो बहुत स्वीट, उसने आप दोनों की निकाह के लिए बेस्ट विशेस भेजे हैं। अरे हाँ, उसने ये भी कहा है कि जब वो अगली बार आएगी तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पर ऑन सेकंड थॉट्स, नो ग्रजेस। कम उम्री में हम सब से कुछ ना कुछ अजीब हरकतें हो जाती हैं, क्योंकि हैं तो हम नॉर्मल लड़के ही, और हर नॉर्मल लड़के की तरह हमको शादी करनी है। मुझे भी मेरी सोलमेट मिली, आयशा, जो मुझे समझती है, स्वीट है, लेकिन कभी कभी बेहद ही पकाऊ। यू नो हाउ दीज गर्ल्स आर। आयशा की अम्मी अब्बू नहीं है, सिर्फ बाजी है। बाजी क्या, पूरी पाजी है। खुद की शादी तो 2 महीने में ही टूट गई, अब मेरी शादी का भी भांजी मार रही है। Have you lost it, Aisha? You want to leave this developed country and go and settle down somewhere in Pakistan? Don't forget, Saira. Our parents were from Pakistan too. I don't think you'll ever understand. Okay, fine. But now I have one condition. That your engagement ceremony must be in Norway. Okay. Imran, पहुंच गई तुम्हारी फ्लाइट लाहौर? अरे यहाँ पे बेटा तुम्हारा बेचैनी से इंतजार हो रहा है, नॉर्वे जाने की तैयारियां चल रही हैं। आ जाओ। अब्बा जी, ए नॉर्वे में होंडा की है? नॉर्वे में बर्फ पड़ती है, इग्लू हाउस होते हैं, और रेनडियर होते हैं, और पोलर बियर भी। पुलो बेर? ये पुलो बेर की होंडा है अब्बा जी? नहीं, छड़ो जी। अब्बा जी, मैं तो समझ रही थी उत्थे मेरे वर्गे मॉडर्न लोग होंगे। अब्बा जी, नॉर्वे है किथे? ये कहीं ऊपर जाके नॉर्थ में है। नॉर्वे स्वीडन का नेबर है। स्वीडन? आबा। ओह यस। मनी 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 मस्ट बी फनी इन अ रिच मैन्स वर्ल्ड। ये बहुत ही पतला सा अजीब सा मुल्क लग रहा है, बहुत पतला सा। डैड, वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 5 मिलियन है, एंड जमीनें भी खूब खाली पड़ी हैं, और मुल्क भी बहुत मालामाल है। वहाँ ऑयल शिपिंग और मछली का बिजनेस होता है। अब अब्बू को यकीन है उनका बिजनेस अब पाकिस्तान से नॉर्वे तक फैल जाएगा। और मैं 3 दिन पहले ही जा रहा हूं आयशा को सरप्राइज देने। What chill? अगर मुझे एहसास होता कि तुम नॉर्वे आ रहे हो तो मैं लंदन आती ही नहीं। तुम फर्स्ट टाइम नॉर्वे आ रहे हो और मैं यहाँ हूँ। मैं अभी शॉपिंग छोड़ के आ रही हूँ। हेलो, हाउ कैन दैट बी? अरे मेरी पूरी शॉपिंग बाकी है अभी। यू नो द लिस्ट, माई डिजाइनर बैग्स, माई शूज, माई मेकअप। दिस इज जस्ट क्रेजी, आई कांट हैंडल दिस। नो जान, आप प्लीज अपनी शॉपिंग पूरी करें। वैसे भी हम 3 दिन सिर्फ आराम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। Say no to him. तुम जानती हो अगले 3 दिन कितने हेक्टिक होने वाले हैं, है ना? अच्छा, तुम जानते हो ना, हम डोर की मैट के नीचे रखते हैं और कुछ भी खाना पीना हो फ्रिज में पड़ा है। ओके? Don't worry, मैं सब मैनेज कर लूंगा। आप अपनी शॉपिंग अच्छी तरह से करें। And I'm already missing you. You take care. Bye. Ah!
Hey sexy. Hey sexy. गई सोना में पहली बार आया है क्या? जी. आप पाकिस्तानी हैं? नहीं, तेरा दुश्मन हिंदुस्तानी. यहाँ इसके साथ? तू पैसे देगा तो तेरे साथ? जनाब मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि नॉर्वे आके भी किसी हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी के साथ जाऊं और वो भी पैसा देके. तेरी मर्जी. Strawberry lips. Do you want to join? Mm-hmm. You guys have fun. Okay. Cheers. यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं ना, सिर्फ सेक्स सेक्स, किसी का एक से दिल भरता ही नहीं. ओ माता जी, ये गे सोना है, यहाँ लोग सेक्स करने आते हैं, भजन कीर्तन करने नहीं. हम साले हिंदुस्तानी पाकिस्तानी डबल स्टैंडर्ड, जाएंगे मंडी खाने में और वहां भी सती सावित्री की उम्मीद करेंगे. चल, तू बाजू के मुल्क का है, 20% डिस्काउंट दे दूंगा. नॉट इंटरेस्टेड. बहन चोद बुढ़े में बड़ी आ गए. हाँ, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई भाई. अगर बाई चांस तेरे में अभी थोड़ा सा दम बचा हो तो तेरे लिए क्विकी का 40 यूरोस, पूरी रात का 300 और 3 दिन का. क्या बात है, तेरा शेर तो कुछ जल्दी ही जाग गया. चल, तेरे लिए 700. तू 5 मिनट इधर ही रुक, मैं जरा बुड्ढे को ठंडा करके आता हूँ. वैसे यहीं करेगा या तेरे होटल पे चले? मेरे घर पे. ओके. My chocolate. Hi baby, I'm back. Looking killing. कितनों को हर रोज यही लाइन बोलते हो? याद नहीं. Can I feel you? मुझे सिर्फ यही नहीं करना. ओह, तो तुझे मुझसे बातें भी करनी है? कहीं तुझे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? Fuck you. जब तुझे खरीदा है तो सेक्स तो करूंगा ही. वैसे भी तुझे हायर करने में मेरा मेन मोटिव है कि तू हिंदुस्तानी है. तेरी मेरी भाषा सेंटिमेंट्स मिलते जुलते हैं. तू मुझे बेटर समझ सकता है. ये 3 दिन मैं खुल के जीना चाहता हूँ, सब एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जो शायद मैं फिर कभी ना कर सकूँ, और के लोगों से भी मिलना चाहता हूँ. ज़रूरी नहीं कि सबके साथ सेक्स ही करूँ, जस्ट टू हैव अ गुड टाइम. हम साले हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, यू नो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अपनी हिंदुस्तानियत पाकिस्तानियत कभी नहीं छोड़ेंगे. चल,
मैं तुझे अपने दो दोस्तों से मिलवाता हूँ। दोनों गे हैं? लेस्बियंस। हाँ? चल चल। All the ducks are crying, searching for the pain. Practicing the choreography of our new song. The Hungry Heart, the most popular performance band. A weird one. They made a song called In Your Face, and it's an international lesbian anthem. Hi, I'm Edith. Hi. And I'm married to her. Nice to meet you, Arian. I'm Jan. And I'm Ingeborg. I'm lost in life and lost in love. And me? I'm the central attraction of this universe. Just call me Falula. Chogyana. ये है पूरव का तुलसीदास, जो पश्चिम में आके तलूला बन गई. Okay. I'm very happy to meet you all. Or scandalized? Skål. 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 Hey, are you gay Pakistani? No, I'm straight. It's just sometimes I... In India and Pakistan, most of the gay consider themselves straight only. Kyunki unme dam nahi hota open up hone ka. And what about the queens? Do you want to love me? Oh, my lollipop. I was just kidding. Huh. So, you want to explore gay life in Norway? Yes. Huh? Yeah. Up in the sky, where the white eagles fly. He's in control. Down the things are so small. No worries in his life. No children, no wife. Every day he flies higher on the wings of desire. You're just a sissy boy. Chalo. You're just a lover boy. You're just a sissy boy. Tum to kahin bhi kidhar bhi bas shuru ho jaate. Don't ask me why. He's sexy. Main to bhool hi gaya tha कि माताजी से सेक्स के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। See, dude, no offenses. I'm not sexually attracted to you. He plays and destroys. As if I care.
Hey, my star. And the air is the king. You're just a lover boy. You're just a sissy boy. You're just a lover boy. You're just a sissy boy. Everybody loves you. You're just a lover boy. You're just a sissy boy. For how long both of you have been married? 13 years. Really? True love. And how did both of you meet? Well, I met Edith at a lesbian bar. Uh-huh. And the first time she looked at me, I just knew. That woman is going to be my wife. And after 1 month, she asked me to marry her. Okay, tell me one thing. Tell me honestly, huh? You never get tempted to any other girl? No. To me, Edith is the most beautiful woman in the world. So to treasure and to take care of this love between us is the most important mission in my life. Why should I break this trust? Aryan? तू क्या कोई बिजनेस करने आया है अपने रिश्तेदारों के साथ जी क्यों दुनिया के सारे आलसी मरे होंगे ना तब जाके तू पैदा हुआ होगा जनाब मैं हॉलिडे पे हूं थोड़ा आलसी होना तो लाजमी है अच्छा सुनो ना जूस भी दे दो ना Yogurt bee. अरे ये नहीं, prune वाला नहीं, strawberry वाला. अरे यार, ये बात तो है, तुम खाना बड़ा सही बनाते हो. आज दोपहर को क्या पका रहे हो अच्छा सुनो वो पानी भी देना वो स्पार्कलिंग वाला ऐश सुनो ना इधर आओ दिल कर रहा है तो मैं यहां हमेशा के लिए रख लूं प्यार करने के लिए मेरा काम करने के लिए ये तेरे मुंह पे ना मार दूं सुनना चल करते हैं अभी माता जी अब इसके लिए मुहूर्त निकालने मत बैठ जाना हेलो हाय एशली हेलो 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 माशा अल्लाह आप जैसी हसीन समीर खूबसूरत मोहतरमा लेकिन अफसोस आज तक एक बॉयफ्रेंड ही नहीं मिला ताज्जुब है एक्सक्यूज मी डार्लिंग आई डोंट लाइक चिकना लाइक यू मुझे देखो ना हैंडसम गुड लुकिंग मस्कुलर इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जेंटलमैन चाहिए यू गॉट इट बेबी Maybe. Someone like him. You are so beautiful. Well, whatever. Can I buy a drink? Thank you so much. Can I grab your ass? What? Jerk off, you psycho! Please, let me love you. Ah! Get lost! Oops. Sorry. Sorry?
For what? Aja andar aja. तेरी इतनी फटती क्यों है? मेरी क्यों फटेगी तुझसे? डरता है कहीं प्यार ना हो जाए. कुछ भी. तुझसे नहीं होगा. कहीं याद आते हो
तुमको ही पाना है। हो नींदों से दूरियां सी है, चैन बिन तेरे अब नहीं रहती हूँ मैं। अब जहाँ कहीं याद आते हो तुम वही। अपनों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक अंग्रेज से प्यार हो गया था, मां ने शर्त रख दी, या तो हम या वो। 18 साल का था जब उसके लिए सब कुछ छोड़ आया, लेकिन उस साले भड़वे ने 3 साल में मुझे छोड़ दिया। फिर क्या? लंदन से पेरिस, पेरिस से ओस्लो, बस भटकता ही रहा और शायद भटकता ही रहूंगा। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि मेरे कथक में कुछ बात है, और मैं भी अपनी कला पूरी दुनिया में बांटना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। वापस क्यों नहीं चले जाते? क्या मुंह लेके वापस जाऊं? मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत नहीं करती कि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो मेरी खुशियों के लिए पूरे परिवार की खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकती। तुम अकेले नहीं हो।
कब तक? अभी मेरे घर चलें? ऐश के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए हमने एक खतरनाक सरप्राइज रखा। ओके यार रिक्लोरा, ना खोलने। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ashley. Happy birthday to you. Woo! Let's eat the cake. Yes. No, I'm the cake. I am the pantyhose lady. And it's so nice to be here with my new friends. I can see that you want to. और अगर ये पागलपन की हद नहीं थी तो हद तो तब हुई जब माता जी मेरे लिए सचमुच माता जी बन गई। Begging me for more, oh darling, shake me to the core. I just wanna make you love me more, make you love me more until your heart is sore. Make you love me more until your heart is sore. हाँ हाय तुम तो कल आने वाली थी। हाँ वो मैं एक दिन पहले आ गई, सायरा बाद में आएगी। मीट माय फ्रेंड्स एलेक्स, हाय, इंगेबोर्ग, हाय, टोनिया, हाय, एशली, हाय। इज इट अ फैंसी ड्रेस पार्टी? नो इट्स अ गे एंड लेस्बियन पार्टी। पेट जोक। एक्चुअली हम लोगों ने एक थीम सोचा था, कुछ गे पार्टी जैसा रखें मस्ती के लिए, ऐसे ही जस्ट यू नो। I'm impressed. You made so many friends in 2 days. एक्चुअली मैं तोनिया को मॉल में मिला और ये सब उसके फ्रेंड्स हैं। Want to introduce your love to your new friends? Guys. This is my fiance, Aisha. Congratulations, Aryan. Not Aryan. It's Ayan Ali Muhammad Mirza. Congratulations, Ayan Ali Muhammad Mirza. I think it's time to leave. Yeah. Yeah. Okay, bye. 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 You know, तूने अपना बैग भूल गई है। ओह। मैं जस्ट बैग देके आता हूँ। ओके। ओके। एशली, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ। मैं अब तक तेरा खरीदा हुआ हूँ। एशली, I'm sorry. मैंने तुमसे छुपाया अपना असली नाम, लेकिन केसुना में कोई अजनबी को अपना असली नाम तो नहीं बता सकता ना। जानता हूं, मेरा भी असली नाम एशली नहीं है। इंडिया में लोग मुझे विक्रम सिंह के नाम से जानते हैं। आई एम ऑल्सो सॉरी कि मैंने तुमसे छुपाया कि मैं एंगेज हूं। तो इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ओ हीरो, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है।
तूने मुझे 3 दिन के लिए खरीदा है, अब तू उसके बाद शादी कर, बच्चे पैदा कर या डिवोर्स कर, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। समझता हूं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे 3 दिन के पैसे मिल चुके हैं, लेकिन जानता हूं 2 दिन ही हुए हैं, 3रे दिन को तुम अपनी एक्सलेंट सर्विस की टिप समझ के रख लेना। Tack för alla kyssar som du gav mig. Ser du mina tårar när du går? Tack för alla kyssar som du gav mig. Tiden kanske lekar alla så. Jeg fatter ikke. Har han tenkt å gifte seg med Aisha? Jeg mener, en ting å rote det til for seg selv, men å trekke Aisha inn I det, det kan han ikke gjøre. Nei. Han jo homofil. Kan ikke lure et annet menneske på den måten. Altså, Arian jo forelsket I Ashley. Og Ashley forelsket I Arian. Hvor vanskelig kan det være, da? Ja, vi trenger bare litt tid sammen, vet du. What happened to Ashley? Where did you come from? Well... Good morning. Good morning. Good morning. Care for some breakfast? No, thank you. Ayan told me how well you took care of him. Anything for Aryan. Not Aryan. It's Ayan. Sorry, Aryan. It's a tongue twister for me. Would you mind if I call you Aryan? Not at all. Good morning, Ashley. Good morning. What happened? You fell sick? No, it's okay. I feel much better now. Let's have some breakfast. I wanted to say something that I'm really, really thankful to you guys for being so kind to Ayan. You don't have to be thankful. We did it for Ashley and Aryan. Oh. I mean, Ashley is my best friend. And Aryan, even though he's new to us, we feel close to him. By the way, I hope you all know, after 10 days, it's me and Ayan getting married in Pakistan. Here to personally invite you to our engagement party tomorrow. Really? Oh, thank you. You're so kind. We will try. Try is not good enough. You have to come. Please. As me and Ayan are going to settle in Pakistan after marriage. So after these 2 days, you never know. We'll see each other again or not. I see you there, looking my way, and I can't believe we're dancing away. I feel so strong, feeling so high. So I'm asking you, baby, stay. Stay.
my way. I'm telling you, I'm begging you, I'm asking you. ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, होप तुम्हें पसंद आएगा। इसीलिए तो तुझे यहां लेकर आया हूं। सच में ब्रेड खा खा के बोर हो गया हूं। मैंने तो सुना है नॉर्वेजियंस पूरे दिन में खाली एक बार गरम मील लेते। देखना यार, नॉर्वे इतना रिच कंट्री होने के बावजूद यहाँ के लोग लंच एकदम गरीबों जैसा करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि यहाँ तुम्हारा फेवरेट सब कुछ मिलेगा, लाइक चिकन कबाब, मटन कबाब, चिकन बिरयानी सब। मैं तो सरसों का साग और मक्के की रोटी खाऊंगा। यार घास फूस खाओगे तो दम कैसे आएगा? तभी तो तुम लोग लड़कियों को वैसे सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो जैसे हम लोग कर पाते हैं। जानता हूँ कितना लड़कियों को सेटिस्फाई कर पाता होगा। Whatever. मैं लाइफ में कभी वेजिटेरियन नहीं बनूं। और मैं लाइफ में खाना खाने के लिए कभी किसी की जान ना लूं। और रेस्टोरेंट के ओनर है ना, वो भी पाकिस्तानी है। तुम लोग इंडियन खाने की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना खूब अच्छी तरह से जानते हो। हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना आता है। और आखिर हैं तो हम भाई भाई। चलिए इस बात पे आज हम भी वेजिटेरियन खाते हैं। तुम घास फूस खाओगे? बस ऐसे ही। ओके। मुझको है कहां ले चली, जाने कौन सी है ये। लेट्स मीट आर्यन आयुष तनाई। मैं अश्ले, आर यू सिक पता नो साले लूटो यार। लव हग्स। यार बोर संदे यार। I have to see him once last time. I will never be able to see him again. रास्ता उधर भी है, दोनों तरफ है लाजमी। कभी दिल इधर। I'll just come from this room. Okay. Okay. You please sit down. डोंट, मेरे साथ ही फालतू का नाटक मत करना। मैं अपने घर वालों को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मतलब तू कहना चाहता है दुनिया में जितने भी गए हैं उनके परिवार वाले शर्मिंदगी की जिंदगी जी रहे हैं? हाँ, मेरे मुल्क में शर्मिंदगी की जिंदगी जी रहे हैं और तुम्हारे मुल्क में भी, नहीं तो तुम यहां आके नहीं रह रहे होते। साथ तेरा जो छूटा है दिल में कुछ तो टूटा है, लग रहा है जैसे मुझसे वो खुदा भी उठा है। बेअसर दुआएं सारी मेरी हो गई, तू गया तो खाली खाली जिंद हो गई।
Sayoni, Sayoni, Sayoni. If you don't mind, can I ask you something? Yeah. तुम जब से नॉर्वे आए हो, तुम पहले जैसे नहीं हो. There is something missing. तुम निकाह डबल माइंडेड होके तो नहीं कर रहे ना? You really want to marry me? Yes, of course. Look, Ayan, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, you can tell me. मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी. मैं तुम्हें प्रेशराइज करके शादी नहीं करना चाहती. क्या मेरा मतलब है? हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ. थैंक गॉड, तुम ना कहते तो मैं मर ही जाती. आई रियली लव यू. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आयान अम्मी अबू को लेकर आ रहे हैं. हाँ, such cowards. Hello, Zara. मेरा पुलोवर कैसा लग रहा है? पुलोवर की होता है? छट परा, तू मैनू अपनी थोड़ी सी क्लीविज दिखा. मेरी एक बात तू गठ बंद के सुन ले. अगर तूने अपने मर्द को जुत्ती के नीचे रखना है ना, तो मेरे जैसे दिख मॉडर्न हॉट बेब. उफ सारा, आप भी ना. तू मैनू एक गल दस ना. गल सुन, पिछले 4 दिन आइच एदियाती सोनिया ते हसीन रोमांटिक वादियां विच कुछ ते होया? नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ. ऐसा कुछ नहीं होया? टाइम वेस्ट होया? लुक सारा, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, विच वी डिड. अरे क्वालिटी टाइम को तो तू डाल चूल्हे में. जारा, ये सब कुछ शादी के बाद भी होता रहेगा. हाय बेबी, तेनु की समझावा? अरे शादी से 4 दिन पहले की तो बात ही कुछ और है. हाय 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 हाय, तुझे पता है? हाय, तेरे भाईजान मुझको शादी से पहले कोठे आप छत पर ले जाया करते थे, और उसके बाद दिन को मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बुर्का पहन के निकल जाया करती थी. हाय हाय, क्या मजे थे. हाय हाय हाय. ओह गॉड, यू आर टू मच. हाय रब्बा रब्बा, मेरे वो दिन लौटा दे. आईना हसी हुआ है इश्क एहसास में, तेरे होने की आस में. ख्वाहिशों को पंख लगे हैं मिलने की चाह में, सौ दिए जले हैं राह में. ये है बेताबियां होंठों पे खामोशियां. मेरी शाम को जिंदगी की सबसे हसीन शाम बना दो. रास्ता इधर भी है और रास्ता उधर भी है, दोनों तरफ है लाजमी.
अभी सब इंतजार कर रहे होंगे, अभी चलते हैं। सो सकता हूं? हाँ आयान मिया, क्या बात है, आज अपनी माँ पे इतना प्यार कहां से आ गया है? सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। अरे ऐसी भी क्या बात है, सिर्फ 4 दिन ही हुए तुम्हें यहाँ आकर, और हर रोज हम लोग फोन पे बात करते भी रहे। मैं अकेला पड़ गया था। बेटा तुम शादी करने जा रहे हो, अब बड़े हो जाओ। किसी को नहीं पता ना कि मैं रो रहा था, सब मजाक बनाएंगे मेरा। नहीं बताऊंगी। Hello. Hello. Nice to meet you again. Hi. Please come. Okay. No, I will send $10,000 to your account. No problem. Abu. Thank you. Thank you. Oh, yes. Meet my friends. Hello, sir. Hi. I'm Ashley. Tunya. Nice to meet you. Nice to meet you. Edith didn't come? No, sorry. She couldn't come. He's asking about my wife, Edith, and she would love to be here, but she's in a conference in Denmark, so maybe next time she will meet you. She's your wife, what? Sister, sister. Eh? Okay. Mohammed, Edith, like Nasneen, is your beautiful wife. Edith is my beautiful wife. What are you talking about? Hello, hi. Zara, ek kuri thodi mardo jaisi lag rahi hai. हाय फक छड्डू जी, तुसी इत्थे लोका दियां कुड़ियां वेखण आए हो, एडी सोहणी कुड़ी छड़ के? अश्ली? यस। तुम ही अश्ली हो ना? जी मैं हूँ अयान की अम्मी। इंट्यूशन का हो या कार्मिक कनेक्शन, लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे ऐसे लगा कि तुम ही अश्ली हो। डू यू नो दैट जब से अयान यहाँ आया है, हर रोज फोन पर तुम्हारी बातें करता है। कहता है अश्ली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे यहाँ लेकर गया, वहाँ लेकर गया, मेरा बहुत ख्याल रखता है। आंटी मैं आपके पांव छू सकता हूँ? हाँ। अरे बेटा अल्लाह करे तुम्हारी हर मुराद पूरी हो। Thank you for being such a wonderful friend to Ayan. Hi. Lucky bitch. I'm actually in Norway, actually. I'll call you back, sir. Thank you. You have such a big and nice family, Mirza. Yes, but my father had a bigger family. He had 21 children. 21? And 4 wives. 4 wives? And I suppose you are his only wife? Yes, absolutely. Of course, she's my only wife and I love her very much. Zara? ये आयान के फ्रेंड थोड़ी अजीब से लग रहे हैं। तो क्या हुआ? फार्म में तो सारे ऐसे ही होते हैं, अजीब से। छड्डू जी तुसी नहीं समझोगे। हाँ जी हाँ, तुम तो बड़ा फॉरेन घूम के आए हो जी, तुम्हें सब पता होगा जी, है ना? तो क्या हुआ अगर मैं फॉरेन घूम के नहीं आई तो?
मैं भी ते केड़ा लाहौर दी कुड़ी लग रही हूँ, मैं भी ते इत्थों दी कुड़ी लग रही हूँ, अजीब जी। Hello, young lady. You look beautiful. Oh, thank you so much. Natural beauty. Wow. No makeup. Very nice. Thank you. Enjoy. So you guys enjoying, huh? Have fun. Ash, hope you're fine. ठीक हो सकता हूँ मैं? ऐश, मैंने तुम्हें अपनी मजबूरी समझाई। अबे साले, फिर से अपना रोना शुरू मत कर। मजाक कर रहा था। जो रिश्ता चाहते थे वो तो हो नहीं पाया। मजाक का ही सही। अब तो जिंदगी ही मजाक है। तेरी अम्मी ने मुझे भी आशीर्वाद दिया है कि मैं जिसको चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा। फिर तो कयामत आ जाएगी जनाब। सोच ले, माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है कि खुदा भी इनकार नहीं कर सकता। आमीन। हे, लुक, ठीक तरह से खाना भी नहीं आता। डोंट वरी, मैं हूं ना, पूरी लाइफ ख्याल रखूंगी, है ना अश्ले? Did you have something? Yeah, I'm good. Okay, have fun. We are going to play a round of dare. A double dare. Yes? Yes. Oh. Yes. Woo! Yeah! Yeah! Dare! No, it's dare. Oh, I see. Dare, dare, dare. You have to sing a Norwegian song. Oh, Norwegian. अंग्रेजी तो आती नहीं है, Norwegian में क्या गाओगी? I know Norwegian. टूटी पंजी सही, चुप करके बैठे तुसी. Okay, then we're going to sing a very famous Norwegian song, which is called Å dra til helvete. And I'll go up and teach you. Woo! One, two, three, four. Å dra til helvete. 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 Okay, I choose double dare. Ooh! बहुत अच्छे, bravo. I am proud of you, my son. ये हुई ना मर्दों वाली बात. Okay, okay. Let me think. Aryan, just imagine, you and Ashley love each other a lot. And today you guys are breaking up. So you both have to say some nice, sentimental, lovey-dovey talk. Aisha, what is this? Yes. Why should I be part of it? Aisha, it's a very silly task. Come on, change it. Let's do something else. Ayan, you chose double dare, right? So it couldn't be a simple dare. You have to follow the rule. Or admit, both of you are chickens? Ayan, it's just a game. Have you totally lost it? I've never been a part of such a shameless game. Ye kya behuda game hai? Homosexuality does not exist. Ye bimar logon ki shaitani fitrat hai. Aur koi Pakistani homosexual nahi hai. Na koi Pakistani homosexual banna chahta hai. It's just a game. Yes, Mr. Mohammed. Either enjoy the game, or why don't you just go and take a walk? नहीं तो आप एक काम बस करो, बस करो। या अल्लाह, इन्हें अकल दे, शैतान मर्दूद से बचा। Please continue with the game. Aryan,
and Ashley, you're in this game together. And now you have to finish it. It's time for breaking up. साले तू इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहा है काश मुझ में हिम्मत होती अपनी सेक्सुअलिटी एडमिट करने की तू साथ रहे या ना रहे मरते दम तक तुझे प्यार करूंगा आई विश आई ग्रो ओल्ड विथ यू Excuse me. We're getting engaged, right? Huh. So let's go. आइए अबू जान हेलो अरे वो सायरा और आयशा ने शॉपिंग से कब तक आना था वापस आयशा का फोन आया था वो शायद 2 घंटे के बाद आएंगे बेटा यान वहां खड़े क्या सोच रहे हो कोई प्रॉब्लम है क्या अबू आई एम की कल का क्या बेहुदा मजाक चल रहा है इसके दिमाग में हम मजाक नहीं कर रहे अबू ओ ये पागल हो गया क्या अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अरे मैं तो कहती हूँ इसे कोयटा के किसी पीर बाबा को दिखाते हैं लगता है हमारे पड़ोसियों ने इस पर काला जादू कर दिया है आयान तुम आयशा को प्यार तो करते हो ना लेकिन अब एशली को करता हूं या अल्लाह या रसूल वो हिंदुस्तानी हिंदू लड़का एले बस इसी गलती कमी रह गई सी ला हौल वला कुव्वत ये आज की कंफ्यूज जनरेशन आयान तुम्हें मालूम है इस्लाम में इस गन को गुनाह माना जाता है तुम दोजख की आग में जलोगे लड़के का लड़के के साथ सुनकर मुझे तो वैसे ही घिन आती है देखो आयान कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हम बहक जाते हैं और तुम हंसोगे कुछ साल बाद हंसोगे अपनी बचपनी इस हरकत पे अपने दिमाग से ये बेहुदा ख्याल निकालो कल हम पाकिस्तान जा रहे हैं वहां अपने काम पे ध्यान दो और अपने निकाह की तैयारी करो अप्पू मैं ऐश को नहीं भूल सकता तो क्या आयशा की इमोशंस के साथ खेलोगे लेकिन अगर आयशा से झूठा प्यार करूंगा तो उसके जज्बातों से नहीं खेलूंगा अरे मजाक बन के रह जाएगी वो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी इसे ना अपने खानदान की परवाह है न दुनिया की कौन सा इज्जतदार घराना हमें अपनी लड़की देगा रेहान के लिए कोई शर्म हया है तुम में देख अपनी मां की तरफ क्या क्या तैयारियां कर रखी थी इसने तुम्हारी शादी के लिए अरे इसने तो तुम्हारे होने वाले बच्चों के नाम तक सोच लिए थे या अल्लाह
मैं क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया वालों को जब वो कहेंगे कि मेरा बेटा हिजड़ा है। इमरान जी अबू, या तो मैं अपनी जान दे दूंगा या मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। अयान एक बात याद रखो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम फिर कभी पाकिस्तान नहीं आ सकते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चलिए अबू। क्या फैसला किया है तुमने? Do I have a choice? लेकिन शायद अभी आयशा या अश्ली के पास तो है। तुम उन दोनों को उस मुकाम पे लाकर मत खड़ा कर देना जहां उन दोनों के पास भी कोई चॉइस ना रहे। वादा करो अगर तुम अश्ली को चुनते हो तो आगे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे, और अगर आयशा को चुनते हो तो फिर पूरे दिल से उसके हो जाओगे। अगर मैं एश्ली के साथ रह गया, जी सकेंगी आप मेरे बिना? शायद नहीं, लेकिन ये जानकर कि तुम जानबूझकर किसी का दिल तोड़ रहे हो तो हर पल इसके बारे में सोचकर मरती रहूंगी मैं। तू बता के आना था ना, तोनिया और आदित्य घर पे नहीं है। तुम जानते हो मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। और मैं ये भी जानता हूं शायद आखिरी बार आया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कभी नहीं। Can I hug you for the last time? No. तू ही आईना मेरा था, तू ही मेरा चेहरा था, इश्क तेरा मेरे दिल में समंदर से गहरा था। एक बार फिर मैं प्यार में हार गया और चल दिया अपने आप को खत्म करने। लेकिन अचानक एक अजूबा हुआ। एक लड़की पानी से बाहर आई और बोली, तुम किससे भाग रहे हो? अपने प्यार से? तुम्हें शायद पता नहीं कि ये पूरी कायनात कोशिश कर रही है तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलाने के लिए, क्योंकि प्यार सही या गलत नहीं होता, ये तो जिसे हो जाता है उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। और वो मुझे अपने साथ ले गई। जहाँ मेरा आर्यन मेरा इंतज़ार कर रहा था, उस लड़की ने मुझे एक अंगूठी दिखाई और कहा,
कि ये अंगूठी मेरे प्यार तक अपने आप पहुंच जाएगी और हमें हमेशा खुशियां देगी। पता नहीं ये मेरा सपना था, भ्रम था या हकीकत। अश्ली, 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 come on, अश्ली, अश्ली, wake up, अश्ली। क्योंकि जब मुझे होश आया तो मेरे दोस्त मेरे साथ थे लेकिन मेरे हाथ खाली। Can you hear me? इंडिया से मसाले आ गए? हाँ आ गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे दी मैंने और हमारे रेस्टोरेंट के स्टाफ को सैलरी भी। कुछ और? आयशा, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बर्बाद हो जाते तुम। थैंकफुली तो मुझे वापस मिल गई, नहीं तो तुमने तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। छोड़ती नहीं तो क्या करती। लीजा, टेल मी वन थिंग, इफ द पर्सन यू मैडली इन लव विद, राइट, एंड एंगेज टू, जस्ट वन वीक बिफोर द मैरिज ही टेल्स यू दैट ही इज गे, व्हाट विल यू डू? Jeg ville mos ballene hans flate. मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा था तुम्हें। और जो एक साल तक मुझसे बात नहीं की उसका क्या? आर्यन, मुझे उस सदमे से निकलने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए था। थैंकफुली आफ्टर 6 months मुझे अकरम मिल गया। आई नो, अकरम इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन, और सच में मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी? अगले जन्म में 2 शादियां करूंगी, एक तुमसे और एक अकरम से। एक शर्त पर, अगर अगले जन्म में मेरी सेटिंग अकरम से भी हो जाए। Oh my God, I'm gonna kill you! अच्छा सुनो, आज शाम को जल्दी आ जाना पार्टी पे, ठीक है? और मेरे अगले जन्म के पति को भी ले आना। Just go. तुम भली मत आना, उसको जरूर भेज देना। Get lost. Hello. Hi. Nice to see you. Same here. Hello. Hello. Oh, sailor has also come. And where's Ashley? The birthday boy. Oh, from morning he's getting ready. Okay. He's with his mom. Please. I'm so happy today. आज आप मेरे साथ हो। पुत्र, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरा जन्मदिन नहीं मेरा जन्मदिन है, और मैं इसे बहुत धूमधाम से तुम्हारे साथ मिलकर मनाना चाहती हूँ। You know, अखिल, ऐसा रिश्ता ना तुमने सिर्फ कहानियों में सुना होगा। हाँ, या अकरम, सम पीपल आर अमेजिंग। यस, यू नो ऑलमोस्ट ये दोनों एक दूसरे को खो ही चुके थे, या खुदा का करिश्मा समझो या फिर इनकी किस्मत। आज दोनों एक दूसरे के साथ है, उस दिन से लेके आज तक, एश्ली आर्यन के लिए और आर्यन एश्ली के लिए, सब कुछ, सब कुछ। जब से दिन शुरू होता है कभी ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और कभी प्रेमी। एक अजीब सा रिश्ता है इन दोनों के बीच में, और शायद इसी को प्यार कहते हैं। क्या है तुमसे मिलके जान।
खुशबू जैसे तुझ में यूं खो जाना है। हो नींदों से दूरियां सी हैं, चैन बिन तेरे अब नहीं रहती हूँ मैं। अब जहाँ कहीं याद आते हो तुम वही। से तुमको जाना है लम्हा लम्हा ख्वाहिश है ये बस तुमको ही पाना है। हो नींदों से दूरियां सी हैं, चैन बिन तेरे क्या है। फक ऑफ। कमन यानी पाकिस्तान को 5 विकेटों से करारी शिकस्त। तुम वही तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, नहीं तो हर रोज खाना बना के कौन खिलाएगा। यू टॉक। सो जाओ। Years back, when I went for a swim, it turned out to be my favorite sport. Both exhausting but very exciting. While seeking slowly towards the bottom, I met my namesis in a shape of a woman. She wore a ring, and वो अंगूठी उन्होंने मुझे दी, ये कह के कि ज़िंदगी में तुम्हें सारी खुशियाँ देगी। जब कुछ नहीं होगा तब भी। एंड यू विल पास इट ऑन टू द लव ऑफ योर लाइफ। देयर इज समथिंग इन माय केक। इट्स अ नोट विद अ मैसेज। I thought I had it all before I met you. Meet me tomorrow at 6 o'clock at Salura. Ooh. Ooh. Does he have a name? Darling Hulkman. Ah. Hulkman. He's haunting me, babe. Are you okay? What? Oi, what? Ah! एक मेरे कैसी आई? आर्यन, मुझे कभी मत छोड़ना। मैं जानता हूँ, कभी-कभी तुम्हें बहुत तकलीफ देता हूँ। कभी-कभी नहीं, most of the time. लेकिन जिस दिन तुम कोई खुराफत नहीं करते वो दिन दिन ही नहीं लगता। जी नहीं सकता हूं मैं तुम्हारे बिना, समझे। They are speaking in Hindi, Edith. You don't even understand the language. Why are you getting so emotional? प्यार को समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। I love you, Aryan Ashley. Mm. I love you. Mm. My darlings. क्या है? अम्मी? अयान बेटा कैसे हो? आप यहाँ? कब कैसे? सारा क्रेडिट एशली को जाता है। उसी ने हमें यहाँ लाने की सारी अरेंजमेंट्स की ताकि वो तुम्हें सरप्राइज दे सके। कभी ने बोल नहीं सकता था। अम्मी आप बैठिए प्लीज। अयान बेटा बहुत अच्छे लग रहे हो। अब्बू नहीं आए? वो नहीं आएंगे, ये सब उन्हें अपनाना बहुत मुश्किल है।
मैं शुक्रगुजार हूँ जब मैं आ रही थी उन्होंने मुझे रोका टोका नहीं। अम्मी मेरी वजह से आपको कितना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। I'm so sorry. My dear son, this is your life. It's your happiness. Don't be sorry. मुझे यकीन है कि एक न एक दिन अबू और तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें अपना लेंगे। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मैं जानता हूँ एक दिन मैं ऐश को लेके अपने मुल्क जरूर आऊंगा और उस दिन हमारा मुल्क, हमारे अपने लोग हम सबको शर्मिंदगी के साथ नहीं पूरी इज्जत के साथ मिलेंगे। इंशाल्लाह बेटा जरूर। अम्मी हमें दुआ देके चली गई क्योंकि उन्हें अप्पू की इज्जत भी तो बरकरार रखनी थी। कुछ के लिए उनके अपनों का उनकी शादी में होना कितनी नॉर्मल सी बात होती है और कुछ के लिए वो ख्वाब जो शायद कभी मुकम्मल नहीं होगा। एनीवे बैक टू आवर मैट मैट वेडिंग। शारे आर्यम और शारे एशले, वी आर गैदर्ड हियर टुडे सो द टू ऑफ यू कैन जॉइन इन होली मैट्रिमोनी। द रोड टू वेयर वी स्टैंड टुडे हैज बीन चैलेंजिंग फॉर द बोथ ऑफ यू, बट द लव दैट यू फील फॉर ईच अदर इज स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग। Therefore, I ask you, Ashley, do you take Arian to be your husband? I do. And do you, Arian, take Ashley to be your husband? I do. So give each other the rings as a symbol of your love. You can now kiss as a married couple. अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे पति तो इस शादी से नाराज हैं। मेरे पति नाराज होते हैं तो रहे नाराज, मैं की करा। मैं तो नई जनरेशन की हूँ, जो चीज ठीक है मैं तो उसी का साथ दूंगी। भैया दुखाए बेचारी पत्नी, भैया दुखाए बेचारी पत्नी, संयम झोसा सैया मुझो सा चाट गया चटनी, सैया मुझो सा चाट गया चटनी, समझे न बतिया समझे न बतिया बुझे न मरनी, समझे न बतिया बुझे न मरनी, सैया मुझो सा सैया मुझो सा चाट गया चटनी, सैया मुझो सा चाट गया चटनी। थी बबुनी ले आया बबुना, आए रे लफड़ा हो गई ले दुगुना, आए रे लफड़ा हो गई ले दुगुना, लानी थी बबुनी ले आया बबुना, आए रे लफड़ा हो गई ले दुगुना, अजबई रिश्ता गजबई जोड़ा, अजबई रिश्ता गजबई जोड़ा, घोड़ी के भेस में आ गई ले घोड़ा, है इंटरेस्टिंग इनकी ये जारनी, है इंटरेस्टिंग इनकी ये जारनी, सैया मुझो सा सैया मुझो सा होए, सैया मुझो सा चाट गया चटनी।
सारे शहर में हो गया हल्ला, पार्टी में नाचे सारा मोहल्ला। जींस पहन के ठुमका लगावे, जींस पहन के ठुमका लगावे, धूम धड़ाका जम के मचाए। दारू पिए खाए सब चकना चकनी, दारू पिए खाए सब चकना चकनी। सैया मुझौ सा, सैया मुझौ सा, हाय सैया मुझौ सा, चाटे बस चटनी। सैया मुझौ सा चाट गया चटनी। बैया दुखाए बेचारी पत्नी, बैया दुखाए बेचारी पत्नी। सैया मुझौ सा, सैया मुझौ सा चाट गया चटनी। सैया मुझौ सा चाट गया चटनी। समझे न बतिया, समझे न बतिया बुझे न मरनी, समझे न बतिया बुझे न मरनी। सैया मुझौ सा, सैया मुझौ सा चाट गया चटनी। सैया मुझौ सा चाट गया चटनी। बैया दुखाए बेचारी पत्नी, बैया दुखाए बेचारी पत्नी। सैया मुझौ सा, सैया मुझौ सा चाट गया चटनी। सैया मुझौ सा चाट गया चटनी। समझे न बतिया, समझे न बतिया बुझे न मरनी, समझे न बतिया बुझे न मरनी। सैया मुझौ सा, सैया मुझौ सा चाट गया चटनी। सैया मुझौ सा चाट गया चटनी।